Hello students and welcome to CompuPrep Hub by Takshila Learning. So SSC crash course में आज का दिन है general science के लिए and today we are going to study the judiciary system or the judicial system of India. कि इंडिया में judiciary system कैसा है, कौन कौन से courts हैं, कैसा क्या procedure रहता है, कौन से articles इससे related हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस video में हम discuss करने वाले हैं. तो बहुत important होने वाली है आज की ये video. Yes, क्योंकि judiciary system independent है इंडिया में and इससे related बहुत सारे points हैं जो आपको पता होने चाहिए before appearing for the exam. तो चलिए start करते हैं आज की ये video. So, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो ये कोर्ट्स हैं. सबसे ऊपर एट द टॉप होती है सुप्रीम कोर्ट. एंड सबसे पहली बात, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है या जुडिशरी सिस्टम है दैट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है. इसको एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट बॉडी रखा गया है जिसमें कि एक हायरार्की बनाई गई है. तो सबसे टॉप पे आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, देन उसके अंडर आती हैं हाई कोर्ट्स, देन उसके अंडर आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन उसके अंडर आती हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो ये एक हायरार्की सिस्टम है. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद अ हायरार्किकल सेटअप. तो जैसे मैंने अभी बताया, एक हायरार्की जो है इसमें बनाई गई है एंड जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है. तो ताकि जो है वो किसी भी, क्योंकि जस्टिस जो है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो जस्ट बिकॉज कि वो किसी पे डिपेंडेंट है. दैट इज़ वाई इसको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रखा गया है. तो सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स टॉप पे है, देन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो उसके अंडर वर्क करती हैं. यानी कि अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइक सबसे हाईएस्ट कोर्ट जहाँ पे आप अपील कर सकते हो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी केस है, आई होप कि ना हो ऐसा, बट स्टिल किसी का केस है, चलो हम इस तरीके से बोलते हैं. तो किसी का भी कोई केस है, अगर वो किसी बेसिकली सबसे पहले तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएगा, देन अगर वहाँ से भी कोई डिसीजन नहीं आता है या वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो अपील कर सकता है थोड़ी हायर कोर्ट में, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. तो अगर हाई कोर्ट में भी उसका डिसीजन है तो वो हाईएस्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, उसके बाद आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हो. तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यहाँ पे कौन सी हुई? सुप्रीम कोर्ट. हाईएस्ट अथॉरिटी जुडिशरी की कौन सी हुई? सुप्रीम कोर्ट. यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, उसके बाद आपको कोई भी किसी भी चीज़ के लिए या जो भी कोई पॉइंट है उसमें फिर और कोई डिसीजन नहीं ले सकता अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया तो. ना जुडिशरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जजेस, अदर मजिस्ट्रेट्स, दे फॉर्म द बेंच ऑफ द कोर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम. तो बेसिकली जो भी जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का होता है, देन हाई कोर्ट्स के अपने चीफ जस्टिस होते हैं, उसके अलावा वेरियस जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट्स होते हैं, एंड जितने भी डिसीजन बेसिकली लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप देखोगे न्यूज़ में भी बहुत बार सुनते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जज नहीं होता, हमेशा एक बेंच का नाम होता है. बिकॉज थ्री फोर जो हैं ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं उनको हम बेंच बोलते हैं, तो वही मिलके जो है डिसीजन लेते हैं. तो कुछ बेंच होते हैं जो कि जुडिशियल सिस्टम का हमारा कोर है. तो कुछ पॉइंट्स हैं विच यू शुड नो, बेसिक हैं, हालांकि इसमें से क्वेश्चन आना इतना ज्यादा नहीं है, बट यस आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है. तो आई होप कि आपको पता भी होगा, बट स्टिल कुछ ये बेसिक पॉइंट्स थे. नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है हायरार्की में जुडिशरी में. तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आ सकता है. तो देखो अब वो क्या है. सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी बिल्कुल टॉप पे होती है. तो ये हमारे राइट्स, हमारे लिबर्टीज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी लिबर्टीज हैं, उसको क्या है प्रोटेक्ट करती है एंड जो रूल ऑफ वैल्यू है उसको अपहोल्ड करती है.
तो यानी कि अगर बेसिकली देखा जाए तो जुडिशियल सिस्टम जो है इंडिया का, वो पूरा का पूरा कौन उसको देख रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, रूल ऑफ लॉज देख रही है, सिटीजन्स के जो लिबर्टीज हैं, राइट्स उनको प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके नहीं होते हैं तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट, आपको उसके लिए कोई सबऑर्डिनेट या हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट्स। तो बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमें जो है सुप्रीम कोर्ट ही दे रही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरा लॉ जो चल रहा है, रूल जो चल रहे हैं, उनको देखने के लिए कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका गार्डियन कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इवन वन टाइम इन यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो इन 2016 आई गेस, तब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू शुड नो कि गार्डियन कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। नाउ अब इससे रिलेटेड आर्टिकल, यस आर्टिकल को तो हम भूल नहीं सकते हैं, तो आर्टिकल 124 का पार्ट वन है एंड द अमेंडमेंट एक्ट 2008, ये बोलता है दैट देयर शिल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज CJI एंड 34 जजेस इंक्लूडिंग द CJI। तो यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा है जो कि फिक्स किया गया है, येस दिस नंबर इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, 34 नंबर। अब ये क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक नंबर फिक्स किया गया है कि इससे ज़्यादा जजेस वहाँ पे नहीं होंगे, तो इन टोटल मैक्सिमम 34 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग एक जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये आप यहाँ से इस नंबर को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। नाउ आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, ये नंबर्स भी याद रखना, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें पूरा राइट डाउन किया गया है कंपोजिशन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होने चाहिए इंक्लूडिंग द CJI, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन उनकी ओथ एडमिनिस्टर करेगा, कैसे उनकी वर्किंग होगी, क्या क्या उनके ज्यूरिसडिक्शंस होंगे, वो सारे। तो ज्यूरिसडिक्शंस में बेसिकली हम बोलें तो कुछ सुप्रीम कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन होते हैं जिसमें कि वो लॉ को भी देखता है, देन कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स की डायरेक्टली कोई अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस में आते हैं। देन अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का कोई प्रोसेस रहता है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट देखती है, एंड इवन पूरे ओवरऑल रूल एंड लॉ जो भी चल रहे हैं उन सब को ओवरव्यू करती रहती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। देन आर्टिकल 124 पार्ट 4 प्रोवाइड्स फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो अभी बात हो गई कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि कंपोजिशन और ज्यूरिसडिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, आर्टिकल 124 से लेके 147। अब आर्टिकल 124 का ही पार्ट 4 है जो कि एक जज को अगर रिमूव करना है तो कर सकते हैं। अब जज को रिमूव करना है, येस इट इज़ पॉसिबल, किसी भी जज को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जस्टिस को फॉलो करे, तो येस दिस इज़ पॉसिबल। तो इसके लिए भी एक ग्राउंड जो है रखा गया है कि अगर वो मिसबिहेव करता है या फिर इनकैपेसिटी है तो इस ग्राउंड पे उसको रिमूव किया जा सकता है। येस इसका राइट टोटली प्रेजिडेंट के पास होता है, तो ही इज़ रिमूव्ड बाई द प्रेजिडेंट अपॉन एन एड्रेस बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा लोकसभा, अगर वो एड्रेस करती हैं प्रेसिडेंट को कि किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं। बस इसका जो ग्राउंड होता है यानी कि क्राइटेरिया है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ही जो है रखा गया है, तो अगर इन ग्राउंड्स पे लगता है तो ही जो है दोनों हाउसेज जो हैं उसको आगे एड्रेस करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कि मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी जब हम प्राइम मिनिस्टर वाला जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तभी भी मैंने बोला था कि सिंपल मेजॉरिटी है या किस मेजॉरिटी से है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन सी मेजॉरिटी के साथ पास होता है? तो ये बोथ द हाउसेज में है तो इसको एक मेजॉरिटी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग।
उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं, तो उनमें से 2/3 मेंबर्स जो हैं अगर इस जो भी अगर इसका इस इम्पीचमेंट से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड जो भी है अगर उसको साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो ही वो एड्रेस जो है आगे तक जाता है प्रेजिडेंट तक कि इस जज को, सुप्रीम कोर्ट के इस जज को रिमूव किया जाए. तो मेजॉरिटी यहाँ से ज़रूर नोट ऑन कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. नाउ अब बात आती है हाई कोर्ट की. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वैसे अगर मैं बोलूँ तो जो कोर्ट का सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है. सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करती है, हाई कोर्ट्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे वर्क करती हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली वर्क करती हैं. तो बेसिकली सिस्टम बनाया गया है. देन सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी अंडर आती हैं. तो इस तरीके से ये पूरा जो है इसका सिस्टम है. तो वर्किंग हालांकि सबकी सेम है, बट येस डिफरेंस यहाँ पे यही है कि कुछ जो पास हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा हैं, जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. देन फिर जैसे कि जो भी अगर कोई कोर्ट हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो कोई अगर सेंटेंस सुना रही है या फिर वो कोई अपना जो भी कुछ किसी सेंटेंस पे किसी भी केस पे अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसको रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट. कोई अपील कर सकता है डायरेक्टली, अदरवाइज रिव्यू भी कर सकती है. तो ये जो है आज एपिक्स पे है, वो टॉप पे है, दैट इज़ वाई उसके पास ये थोड़े राइट्स हैं जो लोअर कोर्ट्स के पास थोड़े नहीं हैं. बाकी वर्किंग सिस्टम एंड ऑल सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं. अब हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 214. तो इट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. अब इसमें लिखा गया है हर एक स्टेट के लिए. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है? नहीं. अब यहाँ पे अलग अलग मतलब दो को कंबाइन भी किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी हाई कोर्ट्स हैं जो कि दो स्टेट्स के लिए एक ही हैं. तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बट आफ्टर अमेंडमेंट जो है ये डिसाइड किया गया था कि दो स्टेट्स के लिए भी एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकती है, या फिर जो भी जैसे भी प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट डिसाइड करती है उस अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड किया जा सकता है. तो इसका एरिया बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है. तो हाई कोर्ट का जो भी रहेगा उसका डिसीजन जो है इंडिया पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट जो है बेसिकली लेंगे. तो पंजाब का जैसे अगर मैं बात करूँ, चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों के लिए जो है, यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज़ चंडीगढ़ हाई कोर्ट. तो यस, दोनों स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट है. आप बाकी आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. एक तो आपको बताना है, आप सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, मैं बताऊंगी तो मे भी आप भूल जाओगे. तो एक तो कि हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि अभी 9 हो गई हैं, तो उसमें से कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके पास अपनी हाई कोर्ट है या किसी के पास भी नहीं है, ये आपको आंसर करना है, ये खुद ढूंढना है आपको. देन कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी हाई कोर्ट जो है एक कॉमन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आपके आंसर का मैं वेट करूँगी, तो ज़रूर सर्च कीजिएगा एंड ये आप बताइएगा मुझे. तो इंडियन पार्लियामेंट एम्पावर करती है टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड टू एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू अ यूनियन टेरिटरी. कि किसी हाई कोर्ट का, यानी कि किसी स्टेट की अगर हाई कोर्ट है तो उसको यूनियन टेरिटरी का भी दे सकते हैं. तो ये भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, एंड किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट को किसी यूनियन टेरिटरी का आप जो है जुरिस्डिक्शन भी दे सकते हो. ये सारे राइट्स हैं हमारी पार्लियामेंट के पास, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था. नाउ अब हाई कोर्ट में जो होता है, अब इसमें भी एक चीफ जस्टिस होता है. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेस्ट करते हैं अदर जजेस कि सुप्रीम कोर्ट के कौन होंगे, हाई कोर्ट के कौन होंगे. तो ये सारे डिसीजन लेने में CJI जो हैं हेल्प करते हैं. तो उनके बाद ही चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का अपॉइंट किया जाता है, एंड कुछ अदर जजेस होते हैं जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करें. हालांकि प्रेसिडेंट अकेले नहीं करते हैं, विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो नंबर इसका आज सच कोई फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट को इस पर जो भी लगता है वो अपने अकॉर्डिंगली इसमें कर सकते हैं, तो ये उन्हीं पर डिसाइड करता है. तो प्रेसिडेंट हम बोल रहे हैं क्योंकि
साइन प्रेसिडेंट के होते हैं, ओथ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं, बट जो डिसीजन है वो सीजीआई लेते हैं. तो यानी कि सीजीआई जो बोलते हैं और जिन जजेस को अपॉइंट करने के लिए, बेसिकली प्रेसिडेंट को वो अपॉइंट करते हैं. तो ये यहाँ पे था हमारा जुडिशियल सिस्टम. तो इसमें आई नो आप बोलोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर रही हूँ, तो वो मैं मिस नहीं कर रही हूँ, मैंने स्किप किए हैं जस्ट बिकॉज कि ये पूरा इन डिटेल वीडियो नहीं थी. इट्स जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि क्रैश कोर्स के लिए है. तो आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोल रही हूँ, तो उसके लिए आपको हमारा फुल कोर्स जो है वो परचेज करना पड़ेगा. उसमें आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगी हर एक टॉपिक की. उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.takshilalearning.com. अदरवाइज एक ब्रिलियंट 50 का बैच भी जो है अभी हमारा ऑनगोइंग है, एंड जिसमें कि हम 50 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसको जो भी चाहते हैं, जो ब्रिलियंट हैं एक तो, एंड जो कि डेस्परेटली किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं, बस उन्हें एक गाइडेंस बोलूँ, मेंटर बोलूँ, कि कहीं कोई चीज़ लैक कर जाते हैं, तो वो लैकनेस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी. हम फ्रॉम टिप टू टो एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू स्टडी मटीरियल टू लाइक टाइम टेबल, वीडियोज, टोटल सपोर्ट, डाउट सेशंस, सब चीज़ें. तो ये सब आपको करना क्या है, इफ़ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है, देन उसके बाद आपको हमारे एक ईयर के वन ईयर तक जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, हम उसके लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे आपके पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंगली. यानी कि आपकी पर्सनलाइज्ड कोचिंग होगी, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा. तो यस, आपकी पूरी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी, आपको अपने 100% एफर्ट्स लगाकर बस अपनी मेहनत करनी है अपनी गवर्नमेंट ड्रीम गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए. तो उसकी भी बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.takshilalearning.com. सो आज की वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फीडबैक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता सकते हैं, बिकॉज फीडबैक यस नेगेटिव भी होगा तो भी हेल्प करता है ग्रो करने में. तो योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक्स. तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो टिल दैट, बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ. We'll be right back.